हेलो जी, कैसे हो आप सब? माय यूट्यूब फैमिली, आई होप ठीक हो गए। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक्टिव हुई हूँ, और मैं इसीलिए हुई हूँ कि आप लोगों से कुछ अपनी मन की बातें शेयर कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ कि इतने कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है और मैं कहाँ थी, ये सब कुछ आपको अच्छे से बता सकूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो ना कि लाइफ है और अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, और क्या दिक्कत हुई थी और क्या परेशानी थी, मैं इतने दिन से एक्टिव नहीं थी। आप लोगों के काफ़ी सारे डीएम भी आ रहे थे और कुछ मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझे अनफॉलो भी कर दिया है, फॉलोवर्स ने भी अनफॉलो कर दिया है, अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो कोई बात नहीं, ये सब दिक्कतें तो होती रहती हैं, और पर मैं आप लोगों को अब मैं एक्टिव रहूँगी और अपना सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे आप लोगों को अपना डिस्कस करती रहूँगी क्या है और कैसे चल रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि परेशानियां आती हैं तो एकदम से आती हैं, तो सेम ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। परेशानियां आई एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहली पर प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म नहीं हो रही थी और उसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, ऐसा कुछ ही मेरे साथ हो रहा था और ये रियलिटी है। पर वो है ना कि हम जो दिखा देते हैं आप लोगों को सिर्फ वो ही पता होता है, और सब जो हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं जिस चीज़ के बारे में हम आप लोगों को बताना नहीं चाहते और किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते, तो वो चीज़ें तो हमारे अंदर ही रहती हैं। तो सेम कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं हुई थी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे, हल्का सा फीवर हो रहा था मुझे और मैं उसको इग्नोर मार रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे टमी में भी पेन हो रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा लिया जाए। तो मैं गई डॉक्टर के पास और फर्स्ट यही था मेरा। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के ने मुझे एकदम एडमिट कर लिया और अल्ट्रासाउंड वगैरह लिख दिया। तो उसमें आ गया मेरा, काफ़ी सारे टेस्ट कराए उन्होंने, तो उसमें आया मेरा प्लेटलेट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी हैं, एकदम ख़त्म हो चुकी हैं, और ब्लड जो है होम्योग्लोबिन वो 4 पॉइंट ही बचा है सिर्फ। तो उन्होंने फिर एकदम एडमिट करके और बोला कि अभी तो इन्हें आईसीयू में डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी उसी रात को, तो कि नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर मेरे घर वाले भी पहुंच गए जल्दी से और इन लॉज के यहाँ, तो मैं थी वहाँ से भी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो अचानक से ये सब कुछ हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ब्लड अरेंज किया, ब्लड चढ़ा मुझे 4 बोतल, और फिर उसके बाद काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह वैक्सीनेशन सब होता रहा। तो कम से कम मेरे को 25-20 डेज तक हॉस्पिटलाइज ही रही इस इनक्रीज। और फिर उसके बाद जब मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, बाहर निकली, तो वहाँ पर कोई केयर करने वाला नहीं था, घर पर अकेली होती थी। पीयू के पापा ने भी ऑलरेडी इतनी सारी छुट्टियाँ ले ली थी, तो वो उनको भी अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी, तो फिर इसलिए मुझे यहाँ पर मम्मी के यहाँ शिफ्ट कर दिया उन्होंने। शिफ्ट मतलब कि अभी मैं सिर्फ रहने के लिए ही आई थी, और पीयू मेरे साथ। इसमें इसके एग्ज़ाम भी जो थे वो कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए साथ में इसका जो स्कूल था स्टार्ट था, स्कूल तो इसका स्टार्ट फैब में था, तो वो भी इसका मिस हो गया। रिवीजन टेस्ट वगैरह इसके कुछ भी नहीं हुए, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे के लिए माँ होनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ ही जब घर की बैठ गई तो उसका तो सब कुछ ऐसे ही हो गया। उसकी तो इतनी ज़्यादा टेंशन रहती थी, मुझे सिर्फ बीमार थी सिर्फ यही रहता था कि मैं जल्दी से ठीक हूँ और अपनी पीयू के पास वापस जाऊँ, उसकी केयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता था पता नहीं उसने खाना खाया नहीं खाया, उसकी कोम हुई नहीं हुई, वो नहाई या नहीं नहाई, तो यही सब चलता रहता था। और इसमें मैं अपना पार्लर व शॉप वगैरह सब भूल चुकी थी। तो फिर इसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ मम्मी के यहाँ मुझे 15 डेज रही मैं मम्मी के साथ डैडी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ रहना, ठीक लगा, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि इन्हें किसी ऐसी जगह पे ले जाओ, थोड़ा इधर उधर घुमाओ, ताकि इनका एटमॉस्फेयर चेंज हो और ये थोड़ी सी एक्टिव हो, क्योंकि बिल्कुल ही मैं डाउन हो गई थी रियल। तो फिर उसके बाद हम लोग गए वापस अपने घर 15 डेज के बाद, इसके पापा लेने आए, फिर हम लोग चले गए वहाँ पर वापस। तो फिर वहाँ पर जाके फिर मुझे 2-3 डेज रही, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई सेम वैसी, वीकनेस लगने लग गई और काफ़ी ज़्यादा क्राइंग सा मन रहता था, उदास उदास सा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी मैं प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो अभी भी चल रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि 3 से 4 मंथ तक का ट्रीटमेंट चलेगा, तब जाके होम्योग्लोबिन जो है थोड़ा लेवल पे आएगा और मैं अच्छे से रह पाऊंगी। तो फिर वर्क करने के लिए डॉक्टर ने मना ही किया है, ज़्यादा रेस्ट करना है,
फिर मेरी जो शॉप वगैरह थी दोनों सैलून वो भी बंद हो चुके थे, क्योंकि जब तक आप नहीं रहो तो आपका बिजनेस कोई भी नहीं संभाल सकता। मैंने लड़कियां अरेंज की थी, फुल ब्यूटिशियन गर्ल भी रखी थी, पर नहीं हो पाया। जो हम क्लाइंट्स को तसल्ली से वर्क देते हैं वो कोई नहीं कर पाता उन, तो फिर इस वजह से मुझे शॉप वगैरह तो बंद करनी पड़ी थी, मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया, एकदम से खाली कर दिया। फिर हम लोगों ने सोचा, इसके पापा ने, कि चलो मैं अब वहीं पर ही शिफ्ट हो जाते हैं मम्मी के यहाँ कुछ टाइम के लिए, कि ताकि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगी, नहीं तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही थी, और फिर मेरी घर पर वापस से तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इनको फिर से छुट्टी लेनी पड़ रही थी ऑफिस से। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर, अब ये भी प्रॉब्लम आ गई, एक तो पहली प्रॉब्लम में चल रही थी पीहू की भी प्रॉब्लम, स्कूल मिस हो गया, उसकी स्टडी खराब हो रही, फिर ऊपर से सैलून बंद हो गया, फिर ऊपर से एक और प्रॉब्लम, हमें शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। फिर सडनली हमने यहाँ पर अपने लिए घर सर्च करना शुरू कर दिया, हाउस ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और ये जो है, अब मैं दिल्ली से यहाँ हूँ गाजियाबाद साइड, इंदिरापुरम साइड, तो यहाँ पर हम लोगों ने अब घर लिया है। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, और आप फाइनली हम लोग इतना, मतलब अपने घर का जो फर्नीचर था वो ही सिर्फ यूज़ करने के लिए लाए हैं, जो हम, हमें ज़रूरत है यूज़ करने के लिए, बाकी सब हम अपना घर वगैरह लॉक करके वहीं छोड़ कर आ गए हैं। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और अपना घर छोड़ कर आके किसी और के घर में रेंट पर रहना, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डियर। और ये सब कुछ मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ अभी, एक्टिव नहीं हूँ, और मैं पीहू को नहीं टेक केयर कर सकती। यहाँ पर सब है, मतलब मेरी सिस्टर्स वगैरह भी यहीं रहती हैं, ब्रदर, मम्मी पापा सब हैं, तो अगर कोई बात हो तो मैं उन लोगों को फटक से बुला सकती हूँ। यही सब रीज़न था मेरा यहाँ शिफ्ट होने का। और फिर पीयू की वजह से मुझे, वैसे तो मैं 3-4 मंथ में बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन पर डॉक्टर का यही कहना है अभी, पर ये प्रॉब्लम है कि 3-4 मंथ्स के बाद हम पीयू का स्कूल चेंज नहीं कर सकते। अभी तो सेक्शन न्यू है, तो पीहू अभी क्लास जो ज्वाइन करेगी उसके लिए हमें पूरा 1 ईयर तक यहीं रहना पड़ेगा, 1 ईयर बाद ही हम चेंज करते हैं, बाकी सब तो अब जैसा चलता है वो तो रहता ही है। जो आगे देखो, आगे के तो किसी को नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, पर हम लोग जो प्लान करते हैं उस प्लान के लिए तो अभी तक यही प्लानिंग है, और जैसे चेंज होगा वो आपको बताते रहेंगे। क्योंकि पीहू का यहाँ पर, अब पहले तो वो नानी के घर बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसको, बट पता नहीं अभी हम लोग शिफ्ट हो गए हैं उसके बाद इसको अपना घर मिस कर रही है, अपना स्कूल मिस कर रही है, तो देखते हैं कितने दिन तक हम अरेंज कर सकते हैं, रह सकते हैं, बट लेकिन स्कूल तो इसका बीच में नहीं छोड़ सकते, यही चीज़ है। अब जैसे होगा मैं अपडेट करती रहूंगी। और इस बीच में मेरी एक आईडी थी पीहू खेड़ा की, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं बीमार थी, और उस बीच में मेरी जो आईडी थी वो किसी ने हैक कर ली। बताइए, ऐसे भी लोग, ऐसे भी अपने ही होते हैं ये सब्सक्राइबर और ये फॉलोवर्स, ये ही सब होते हैं जो हमारी आइडिया को हैक करते हैं। तो प्लीज़ किसी की मेहनत और कोई थोड़ा सा जो कर रहा है उसको भी आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको भी आप हैक कर देते हो, ले लेते हो। तो चलो, नो डाउट मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मुझे जरा सा भी फील नहीं हुआ, ये सब तो होता रहता है जब आप लोग इतना जानते हो, हमें इतने अच्छे से पहचानते हो, तो किसी के हैक करने से, आईडी से आप लोग भूल तो सकते नहीं हो, आप ऑब्वियसली हमें सपोर्ट तो करते ही रहोगे। जो गुड फॉलोअर्स हैं, गुड सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू अपना साथ बनाए रखने के लिए इतने टाइम तक। और बस यही कहना था आप लोगों से। और हाँ, मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी पिक्स जो है आपको दिखाती हूँ, जो बहुत मुश्किल से मैंने कलेक्ट की थी हॉस्पिटल की, शिफ्टिंग की, वो सब मैं आपको आगे करके बताऊँगी, दिखाऊँगी, ठीक है? तो आप लोग देखना और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। और अब जो है, मैं जैसे जैसे ब्लॉगिंग होगी, पीयू का स्कूल स्टार्ट होगा, न्यू स्कूल एडमिशन करवाने में जाऊँगी मंडे को, और फिर उसके बाद जो ट्यूसडे से वो स्कूल जाएगी रेगुलर, वो सब मैं आप लोगों को साथ शेयर करती रहूँगी। तो उसके लिए सो थैंक यू इतना सपोर्ट देने के लिए, लव यू, सो बाय। हाँ तो फ्रेंड्स, जो हॉस्पिटल की पिक्स थी वो थोड़ी डिलेट हो चुकी हैं फ़ोन में से रिमूव। तो देखिए, ये हमारी शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जो जो हमें सामान शिफ्ट करना था, लेके जाना था, तो हमने ये जो है ऑनलाइन ही हमने इन लोगों को बुलाया था, और ये हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं अब। वो भी मैंने थोड़ी सी वीडियोस बहुत मुश्किल से बनाई थी, और ये भी तो शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे फिटिंग वगैरह हो रही है इलेक्ट्रिशियन की। ये देखिए, मेरा मंदिर है, ये न्यू हाउस है मेरा, ये ड्राइंग रूम। बस मैंने कहा ना, जैसा कि थोड़ा सा ही हम यूज़ के लिए सामान लेकर आए हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं लाए, तो यही रहेगा, ज़्यादा कुछ लाना भी नहीं था हमें। यानी कि हम
कपड़े भी, ये देखो ये मेरी छोटी सिस्टर है, ये उनके हस्बैंड है, ये मेरी पीहू है, और वहाँ छोटा सा हमारा किचन है। और अपना घर छोड़ के सब कुछ न्यू तरीके से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना और साथ रहना।